हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम लोग 17th टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे फाइलम मोलस्का के एमसीक्यूज। तो इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप की टेस्ट सीरीजेज आगे भी पाते रहने के लिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑप्शन बी मोलस्का। क्वेश्चन नंबर 2, फाइलम मोलस्का इंक्लूड्स, मोलस्का संघ में किस प्रकार के जंतु रखे गए हैं? ऑप्शन सी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, कोमल शरीर वाले जंतु। क्वेश्चन नंबर 3, पर्ल ऑयस्टर और पर्ल प्रोड्यूसिंग एनिमल इज, ऐसा जंतु जिससे मोती बनता है या जिसे पर्ल ऑयस्टर कहते हैं वो है? ऑप्शन डी पिंक टाडा। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज एसिमेट्रिकल, इसमें से कौन से जंतु में असममित होती है, मतलब उसे बराबर भागों में नहीं काटा जा सकता? ऑप्शन ए पाइला। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग ग्रोथ बाय विच प्रोसेस पाइला बिकम्स एसिमेट्रिकल, वृद्धि के समय किस क्रिया के द्वारा पाइला एसिमेट्रिकल हो जाता है? ऑप्शन बी टॉर्सन, घुमाव के कारण उसकी संख तिरछी हो जाती है और वो एसिमेट्रिकल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, इन मोलस्कन बॉडी विच पार्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मोलस्का के शरीर में इसमें से कौन सा भाग अन्य भागों से भिन्न है? ऑप्शन सी मेंटल, क्योंकि ये बॉडी को कवर करता है जबकि हेड, फूट और विसरल हम्प बॉडी के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन मोलस्क एनिमल इज सेगमेंटेड, कौन सा मोलस्क जंतु खंड युक्त होता है? ऑप्शन ए नियोपिलाइना। क्वेश्चन नंबर 8, मोलस्कन सेल इज अब्सेंट इन, मोलस्का में उपस्थित कवच किसमें अनुपस्थित होता है? ऑप्शन डी ऑक्टोपस। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन एनिमल इज लिविंग फॉसिल, इसमें से किस जंतु को जीवित जीवाश्म कहते हैं? ऑप्शन ए नियोपिलाइना, और इसी को कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं बिटवीन फाइलम एनीलिडा एंड मोलस्का। और अगर आप सभी एनिमल्स के कनेक्टिंग लिंक्स को लिस्ट वाइज एक साथ याद करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच एनिमल हेड इज रिड्यूस्ड, आईज एंड टेंटेकल्स आर अब्सेंट, इसमें से किस जंतु में सिर बहुत ही कम विकसित होता है, आँखें और टेंटेकल्स अनुपस्थित होती हैं? ऑप्शन बी काइटॉन। क्वेश्चन नंबर 11, विच एनिमल इज कॉमनली नोन एज द एलिफेंट्स टस्क सेल, इसमें से किस जंतु को हाथी दांत का कवच माना जाता है? ऑप्शन सी डेंटेलियम। क्वेश्चन नंबर 12, बॉडी स्पेसेस कंटेन्स ब्लड आर नोन एज, मोलस्का के शरीर में पाया जाने वाला खाली स्थान जिसमें ब्लड भी उपस्थित होता है उसे कहते हैं? ऑप्शन डी हीमोसील। क्वेश्चन नंबर 13, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन इज ब्लू कलर्ड बिकॉज, मोलस्का फाइलम में पाया जाने वाला श्वसन रंगक नीले कलर का होता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन सी कॉपर। क्वेश्चन नंबर 14, विच क्लास इज एक्सेप्शनल इन हैविंग क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, मोलस्का के किस वर्ग के जंतुओं में बंद प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन डी सेफेलोपोडा। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच क्लास एनिमल्स हैविंग टू वाल्व्स, किस वर्ग के जंतुओं में दो वाल्व्स होते हैं, यानी उनके शरीर के कवच दो भागों में बटे होते हैं? ऑप्शन सी पिलसाइपोडा, जिसे बाईवाल्विया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, टेरेस्ट्रियल मोलस्क आर फाउंड ओनली इन विच क्लास, मोलस्का संघ के किस वर्ग के सभी जंतु भूमि पर रहते हैं?
ऑप्शन बी गैस्ट्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच क्लास सेल इज ट्यूबुलर एंड ओपन एट बोथ एंड्स। किस वर्ग में कवच नलिकाकार होता है और दोनों किनारों पर खुलता है? ऑप्शन ए स्कैफोपोडा। क्वेश्चन नंबर 18, नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद मोलस्का। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मोलस्का के एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं? ऑप्शन बी मेलेकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 19, स्टडी ऑफ मोलस्कन सेल्स इज। मोलस्का के कवचों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन सी कॉन्कोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 20, अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग इन मोलस्का। आरी की तरह नुकीला एक ऐसा अंग जो मोलस्का में खाने के लिए कार्य में आता है उसे कहते हैं? ऑप्शन डी रेडुला। क्वेश्चन नंबर 21, कीमो रिसेप्टर इन पाइला इज। पाइला में कीमो रिसेप्टर होता है? ऑप्शन सी ऑस्फेरेडियम। क्वेश्चन नंबर 22, फंक्शन ऑफ कीमो रिसेप्टर ऑस्फेरेडियम इज। ऑस्फेरेडियम का काम क्या है? ऑप्शन ए टू टेस्ट केमिकल नेचर ऑफ वाटर, जल की रासायनिक प्रकृति को समझना। क्वेश्चन नंबर 23, टिनिडिया इन मोलस्क आर। मोलस्का में जो टिनिडिया पाया जाता है वो किस प्रकार का अंग है? ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, श्वसन अंग है। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन इज नॉट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन मोलस्क। इसमें से कौन सा अंग मोलस्का में श्वसन अंग नहीं है? ऑप्शन सी ट्रैकी। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन इज नॉट द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन मोलस्क। इसमें से कौन सा एक मोलस्क में उत्सर्जी अंग नहीं है? ऑप्शन डी मैलपिगियन ट्यूबुल्स, क्योंकि ये अर्थ्रोपोडा के एनिमल्स में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, इन मेनी मोलस्क आईज आर प्रेजेंट ओवर स्टाक्स कॉल्ड। कई मोलस्क में आंखें एक स्टाक के ऊपर उपस्थित होती हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी ओमेटोफोर। क्वेश्चन नंबर 27, द बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट इन मोलस्क इज। मोलस्क में उपस्थित बैलेंसिंग ऑर्गन कौन सा है? ऑप्शन सी स्टेटोसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 28, कॉमिसर्स प्रेजेंट इन नर्वस सिस्टम ऑफ मोलस्क कनेक्ट। मोलस्क के नर्वस सिस्टम में जो कॉमिसर्स प्रेजेंट होते हैं वो किसको जोड़ते हैं? ऑप्शन ए सिमिलर गैंग्लिया, यानी समान प्रकार के गैंग्लिया को। क्वेश्चन नंबर 29, आईज स्टेटोसिस्ट एंड ऑस्फेरेडियम कलेक्टिवली आर। आंखें स्टेटोसिस्ट और ऑस्फेरेडियम को एक साथ क्या माना जा सकता है? ऑप्शन बी सेंस ऑर्गन्स। क्वेश्चन नंबर 30, लोकोमोटरी ऑर्गन फाउंड इन सम मोलस्क इज। इनमें से क्या कुछ मोलस्क में चलन अंग का कार्य करता है? ऑप्शन सी मस्कुलर फुट। क्वेश्चन नंबर 31, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन मोलस्का इज। मोलस्का में उपस्थित पाचन तंत्र है? ऑप्शन सी कंप्लीट विद अ डाइजेस्टिव ग्लैंड, पूर्ण होता है और जिसमें लीवर के समान एक पाचन ग्रंथि भी होती है। क्वेश्चन नंबर 32, मोलस्क आर क्लासिफाइड मेनली बेस्ड ऑन। मोलस्का में वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? ऑप्शन डी सेल एंड फुट। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लार्वल फॉर्म ऑफ मोलस्का। इसमें से कौन सा एक मोलस्का का लार्वा नहीं है? ऑप्शन ए प्लूटियस। क्वेश्चन नंबर 34, मोस्ट मोलस्क आर। ज्यादातर मोलस्का के जंतु कैसे होते हैं? ऑप्शन डी मैरीन। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्क वाज फॉर्मरली यूज्ड एज करेंसी। इसमें से कौन सा एक मोलस्क पहले मुद्रा के रूप में उपयुक्त किया जाता था? ऑप्शन बी साइप्रिया।
क्वेश्चन नंबर 36, मोलस्का गैस्ट्रोपोडा इज एज। जैसे यहां पर मोलस्का का संबंध गैस्ट्रोपोडा से है, उसी तरह कॉर्डेटा का मैमिलिया से और अर्थ्रोपोडा का अरेक्निडा से है, क्योंकि ये पहले वाले शब्द फाइलम है और दूसरे वाले उसके क्लासेस हैं। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, बॉथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 37, पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज इज। मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय जाति है। ऑप्शन बी पिंक टाडा वल्गेरिस। क्वेश्चन नंबर 38, इन मोलस्का द शेल इज सेक्रेटेड बाई। मोलस्का में कवच का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन सी मेंटल। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फिश। इसमें से कौन सी एक सत्य मछली है? ऑप्शन ए डॉग फिश। क्वेश्चन नंबर 40, इंक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन सम स्क्विड्स फॉर। कुछ स्क्विड्स में स्याही निकालने वाली ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, इनका क्या कार्य है? ऑप्शन सी ऑफेंस एंड डिफेंस, सुरक्षा और आक्रमण। तो आपका स्कोर क्या रहा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बी डिफरेंट, बी यूनिक, बी योरसेल्फ। थैंक्स।